अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक जो है उसे कॉमन लिवर फ्लूक भी कहा जाता है और शीप लिवर फ्लूक भी कहा जाता है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम को देखें तो इसका साइंटिफिक नेम है फेशियोला हिपैटिका। इसके लाइफ साइकिल का आगाज़ जो है वो हम बाइल डक्ट से करेंगे, कॉमन बाइल डक्ट जो कि लिवर और पैंक्रियाज के दोनों ओपनिंग को स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करती है। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अपने सकर्स की मदद से, ये हमारे पास एक लिवर फ्लूक है, ये अपने सकर की मदद से अपने आप को उस इंटेस्टाइन के अंदर, सॉरी बाइल डक्ट के अंदर अटैच कर लेता है और वहाँ पर न्यूट्रिशन हासिल करता है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो जो फेशियोला हेपेटिका है इसका जो लंबाई है वो 30 मिलीमीटर होती है, जो कि 75 मिलीमीटर तक भी जा सकती है, जबकि इसकी जो विड्थ है वो 13 मिलीमीटर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पैरासाइट है जो इंसान की बॉडी में या शीप या बफलो की बॉडी में मौजूद हो सकता है। और इसके जो रहने की जगह है वो मैंने आपको बताया है कि कॉमन बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट जो है ये लिवर से आने वाली एक डक्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में खुलती है और वहाँ पर ये पैरासाइट जो है वो रहता है। अगर हम इसके लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं तो लिवर फ्लूक जो है जब एडल्ट स्टेज पर होता है तो ये अपने एग्स ले करता है। ये एक वक्त में 25,000 के करीब अंडे दे सकता है। इसके अंडे जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से अंडे जो हैं वो ट्रैवल करते करते लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद रेक्टम में आ जाते हैं जहां पर फीसिस स्टोर हुए होते हैं। वहां से फिर ये फीसिस के ज़रिए जिस्म से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब वो जो एक्सक्रीशन है वो किसी तरीके से पानी में गटर के ज़रिए, नाले के ज़रिए पानी में चली जाती है। बारिश के पानी के ज़रिए भी जा सकती है, वो एनिमल सक्रीशन भी हो सकती है, वो ह्यूमन एक्सक्रीशन भी हो सकती है। तो एनी हाउ जब ये एग्स ट्रैवल करते हुए पानी के साथ फीसिस के ज़रिए बहते हुए पानी में चले जाते हैं तो पानी में ये एग्स जो हैं वो एंटर जब हो जाते हैं तो वहाँ से इनके अंदर डिवेलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एग के ऊपर सिरे पर एक सुराख बन जाता है जिसे ओपरकुलम कहते हैं और वहाँ से एक लार्वा हैच करता है। ये पहला लार्वा है, इस लार्वे का नाम है मायरेसीडियम लार्वा। ये पानी में इवॉल्व होता है एग में से और पानी से निकलकर बाहर आ जाता है। एग के ऊपर भी छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, और मायरेसीडियम जो है उसके ऊपर भी आपको सीलिया नज़र आ रही हैं जिनकी मदद से ये अपने आप को स्विम कर सकता है, तैर सकता है। अब ये पानी में घूमता रहता है, वेट करता रहता है कि जब उसे कोई इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो मिल जाए। इंटरमीडिएट होस्ट जो है ये एक टेम्पोरेरी होस्ट होता है जिसके अंदर पैरासाइट ने अपनी ज़िंदगी का कुछ अर्सा जो है वो गुजारना होता है। अब ये जो मायरेसीडियम है ये वेट करता रहता है तो अचानक उसे पानी के अंदर एक स्नेल मिल जाता है। अब ये ख़ास किस्म के स्नेल होते हैं जो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ स्पीशीज़ हो सकते हैं। मैं यूरोप और एशिया की अगर हम बात करूँ तो उसमें जो फैमिली लिमनाइडी से बिलोंग करने वाले स्नेल्स हैं उनकी जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर ये दाखिल हो जाता है, अपने आप को पेनिट्रेट कर जाता है। अब ये जो दो स्टेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस लार्वा की, ये इस स्नेल की बॉडी में होंगी। तो स्नेल का जो आउटर लेयर है एपिथीलियम है उसको ये तोड़ेगा और तोड़ने के बाद डिसॉल्व करेगा और उसकी बॉडी में दाखिल हो जाएगा। वहाँ पर ये जो लार्वा है मायरेसीडियम लार्वा ये एक और स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है जिसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं। ये स्पोरोसिस्ट जो है कुछ अरसे के बाद एक और स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है जिसे रेडिया कहा जाता है। अब ये जो रेडिया है जब ये डिवेल्प हो जाती है तो ये जो रेडिया है ये स्नेल में से बाहर निकल आता है और स्नेल को छोड़ देता है। ये कुछ अरसे के लिए फैमिली लिमनाइडी के जो स्नेल्स हैं उनके अंदर जो है मौजूद रहता है जो कि उसका इंटरमीडिएट होस्ट है।
रीडिया जो है ये फिर आगे पानी के अंदर दोबारा फिर आ जाता है, और पानी के अंदर ये अपने आप को डिवेलप करता है, इसकी ग्रोथ होती है, और ये एक लार्वा में तब्दील हो जाता है जिसका नाम है सर्केरिया। ये पानी के अंदर ये लार्वा जो है वो तैरता है, खाता है, पीता है, अपने आप को इंक्रीज़ करता है, और उसके बाद फिर एक और स्टेज में से डिवेलप हो जाता है जिसे मीटा सर्केरिया कहा जाता है। अब मीटा सर्केरिया की हालत में ये एक सिस्ट बन जाता है और अपने लार्वल जितनी भी स्टेजेस हैं उनको कंप्लीट कर लेता है। अब ये पानी में घूमता रहता है, जैसे ही पानी में घूमता रहता है आगे पानी में कोई इसको प्लांट मिल जाएगा जो कि उसका होस्ट है, तो प्लांट के अंदर ये दाखिल, जैसे वाटर क्रेस है या कोई भी आबी पौधा जो पानी के अंदर डूबा हो या किनारे के ऊपर मौजूद हो, उसकी जो लेयर है, स्किन है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर देगा। अब वहाँ पे दो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर अगर इंसान की बात करें तो इंसान ने वाटर में से जो है वो वाटर क्रेस, एक जड़ी बूटी होती है, वो निकाल कर खा ली, या कोई भेड़ है वो चर रही है और उसने पानी वाले पौधे को खा लिया है, तो ये जो मेटासर्केरिया जो है ये उसके स्टमक में दाखिल हो जाएगा, और स्टमक में दाखिल होने के बाद वहाँ से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से निकल कर कैविटी में आ जाएगा, वहाँ से फिर ये ट्रैवल करता हुआ बाइल डक्ट में आ जाएगा और वहाँ पर ये अपने आप को अटैच कर लेगा, और फिर दोबारा एक एडल्ट वहाँ पे टेप वर्म सॉरी लिवर फ्लूक जो है उसमें डिवेलप हो जाएगा और इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में 3 माह से लेकर 4 माह लग सकते हैं, तो डिपेंड करता है इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ के ऊपर टाइम ड्यूरेशन जो है वो सेम हो जाता है। उसके बाद फिर इसके जो अंडे हैं वो बाइल डक्ट से होते हुए स्मॉल टेस्ट में आएंगे और ये सारा साइकिल दोबारा जो है वो रिपीट होगा। बहुत सिंपल है, अब इसको मैंने समराइज़ कर दिया है आपके लिए ताकि आपको आसानी के साथ ये समझ आ जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें अडल्ट लीवर फ्लूक है, अडल्ट लीवर फ्लूक जो है लिव्स इन कॉमन बाइल डक्ट के अंदर रहता है, वहाँ पर ये ले करता है थाउजेंड्स ऑफ एग्स, अबाउट मैंने बताया है 25,000 के करीब अंडे ले करता है। एग्स जो हैं वो इंटेस्टाइन में दाखिल होते हैं, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से रेक्टम में, वहाँ से एक्सक्रीशन के ज़रिए मूव करते हैं, एक्सक्रीट होते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं। तो आमतौर पर ये फ्रेश वाटर जो है उसमें एग्स जो हैं वो चले जाते हैं ब्रुक्स के ज़रिए, नालों के ज़रिए, छोटी छोटी नालियों के ज़रिए। फ्रेश वाटर में जाकर ये एग जो है वो लार्वा में तब्दील हो जाता है जिसे मीरासीडियम कहते हैं। मीरासीडियम लार्वा जो है वो आपको डायग्राम में यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये घूमता रहता है, फिर उसको एक स्नेल मिल जाता है जो उसका इंटरमीडिएट होस्ट है, वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। स्नेल जो है स्नेल के अंदर फिर ये दो स्टेजेस में से गुजरता है, पहले नंबर पर ये स्पोरोसिस्ट बनता है, फिर उसके बाद रेडियाई में तब्दील होता है, रेडियाई में, और तब्दील होने के बाद ये जो लार्वा है ये स्नेल को लीव कर देता है, छोड़ देता है, और फिर उसके बाद सर्केरियाई लार्वा में तब्दील हो जाता है। सर्केरिया अगर आप सिंगुलर कहें, अगर प्लूरल कहेंगे तो सर्केरियाई होगा। सर्केरियाई से होता हुआ ये फिर दोबारा मीटा सर्केरियाई में तब्दील होकर, मॉडिफाई होकर एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं जो भी उसको मिलेगा उसके अंदर पेनिट्रेट कर देगा और मेटा सर्केरियाई के तौर पर वहाँ पर सो जाएगा, स्लीपिंग फॉर्म डोरमेट हो जाएगा। अब जब कोई एनिमल ये उस फूड को खाएगा या इंसान उस चारे को खा लेगा, पौधों को खा लेगा, तो उसकी स्टमक में चला जाएगा, वहाँ पर ये सर्वाइव करेगा, ज़िंदा हो जाएगा और दोबारा फिर ये एडल्ट लिवर फ्लूक में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों स्टूडेंट्स इसका ये लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ, ये प्लेन लिवर फ्लूक है, लिवर फ्लूक रहता है बाइल डक्ट के अंदर, वहाँ पर एग ले करेगा, एग्स के अंदर ऑपरक्यूलम होता है जिसके अंदर से लार्वा निकलता है जिसे मायरासीडियम कहते हैं। मायरासीडियम लार्वा जो है ये स्नेल के अंदर दाखिल हो जाता है और तब्दील हो जाता है स्पोरोसिस्ट में, फिर उसके बाद रीडिया में, रीडिया से होता हुआ पानी में दोबारा आकर सर्केरिया में, सर्केरिया से फिर मीटा सर्केरिया में, और फिर प्लांट्स में जाकर जो है वो डोरमेंट हो जाता है, और जब उस प्लांट को कोई एडल्ट शीप खाएगी तो उसके अंदर जाकर ये दोबारा ज़िंदा होकर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेगा। आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो अगले लेक्चर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।